Assalamualaikum and welcome back to our channel Nisha's Cooking and Vlogs. उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सभी की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से रमज़ान का चौथा रोज़ा मुबारक हो। और ये वाला जो रोज़ा था ये हमारा इस रमज़ान का पहला जुमा था, तो आप सभी को मेरी तरफ से रमज़ान का पहला जुमा भी मुबारक हो। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी से एक बात कहना चाहती हूँ और वो है सॉरी। क्योंकि सॉरी इसलिए क्योंकि एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर मैं ड्यूरिंग रमज़ान अपने व्लॉग्स आप सभी के साथ शेयर करती हूँ और बनाती हूँ तो ये बिल्कुल लाजमी है कि मैं हर एक मोमेंट को आप सभी के साथ शेयर करूँ ताकि आप भी बहुत अच्छे से मेरे व्लॉग्स को इंजॉय कर पाएँ। लेकिन मैं सॉरी इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि आज क्या हुआ ना मेरे साथ, क्योंकि आज था फ्राइडे तो मैं पूरे दिन इतना बिजी थी कि मैं अपने बिल्कुल व्लॉग को शूट नहीं कर पाई। इवन मैंने सहरी टाइम भी जब सहरी कर ली, नमाज पढ़ के जब मैं लेटी ना तो मुझे लगा ओ मैंने तो आज का व्लॉग ही मतलब सहरी टाइम का शूट ही नहीं किया। तो ऐसा मुझे लगा कि हाँ अब मैं, लेकिन उस वक्त मैं क्या कर सकती थी, सिर्फ मैं रिग्रेट और रिपेंट ही फील कर रही थी। तो खैर इस रिपेंट का कोई फ़ायदा नहीं था, मैंने सोचा नेक्स्ट मोमेंट को कैप्चर करके उस पर फोकस करते हैं, तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और ये डायरेक्ट मैंने अपने व्लॉग को स्टार्ट किया था इफ्तार टाइम से। जिस वक्त मैं इफ्तारी की तैयारी कर रही थी तो यहाँ पर मैं प्याज की पकौड़ियाँ वगैरह बना रही थी तो उसी पे फोकस था। तो अगर आप सभी को मैं एक छोटी सी गुजारिश है जो नए व्यूअर्स हैं उनसे, छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ अगर आप सभी को मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं, अगर आप मेरे साथ मेरे व्लॉग्स को एंजॉय करते हैं तो प्लीज़ जो नए व्यूअर्स हैं मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट बेल बटन ताकि आने वाली हर रेसिपी की, हर व्लॉग की, हर वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मेरे व्यूअर्स को मिल सके। तो इस तरफ अम्मी भी मेरे साथ ही लगी हुई थी, वो यहाँ पर चॉपिंग वगैरह का काम कर रही थी और यहाँ पर मैंने सारी पकौड़ियाँ बनाने के बाद एंड में मोटी वाली जो हरी मिर्च है जो मैं आप सभी के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ कि मेरे पापा को बिल्कुल चाहिए होती है और जिस दिन मैं नहीं उन्हें फ्राई करती तो वो पूछते हैं कि आज क्यों नहीं किया, तो मैंने एंड में किया था। और उसका मतलब एक नुकसान ये हुआ कि मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बेसन फेंट लिया था और अम्मी मुझे मेरे साथ ही खड़ी होती हैं तो अलहमदिल्ला वो किचन में तो मुझे डांट रही थी कि तुम लापरवाही से काम करती हो। और वो लापरवाही ये कि उन्होंने मुझे आज बताया कि जब अगर तुम्हें मिर्चों को फ्राई करना होता तो वो पहले करा करो, अगर बेसन बचेगा तो उसमें तुम बाकी पकौड़ियों को भी फ्राई कर सकते हो। तो मैंने अम्मी से आज ये भी सीखा और ये बेसन मैंने रख दिया और डांट तो पड़ ही चुकी थी, अब क्या ही कर सकते थे। और यहाँ पर मैं फ्रोज़न वाले जो मैंने नॉनवेज गुजियाँ और कबाब बनाए थे उन्हें फ्राई कर रही थी। और मैं अभी ना ऐसा करती हूँ थोड़ा, क्योंकि वैसे भी फ्राई वाला बहुत सारे आइटम्स हो जाते हैं तो मैं तीन चार ले लेती हूँ, कई बार दो दो करके भी ले लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा खाने की मतलब खाने की बर्बादी तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती है क्योंकि अल्लाह पाक हमें इतनी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी नियामतों से नवाजता और उसके बाद हमें उसे बर्बाद करे तो ये तो बिल्कुल हमें करना नहीं चाहिए। तो इसके बाद यहाँ पर ये सब फ्राई हो चुकी थी और अम्मी भी साइड में, मतलब उन्हें क्या होता है कि सुबह मॉर्निंग टाइम वो क्या करती हैं 11-12 बजे या जोहर से पहले अपने सारे शॉपिंग के काम को मतलब कर देती हैं, लेकिन फिर भी जब वो मेरे साथ फ्रूट्स कट करने खड़ी होती है ना मैं उनसे कहती हूँ अम्मी अभी टमाटर चॉप होने हैं, अम्मी अभी प्याज चॉप होनी है, तो वो मुझे डांटती हैं, मुझे कहती हैं कि तुम्हें प्री प्लान नहीं करते हो, अगर तुम्हारी ये तुम्हें बनाने की मर्जी है या तो कुछ बनाना होता है तो सुबह से मुझे बताया करो ताकि वो उसकी भी चॉपिंग मॉर्निंग से ही कर दे। तो खैर अम्मी मुझे साइड साइड डांटती रहती हैं, खैर कभी उनकी डांट भी आप सभी को सुनाऊंगी, बहुत खतरनाक वाला डांटती हैं अम्मी। और यहाँ पर मैंने उसके बाद ये चिप्स वगैरह को फ्राई किया और मैं आज खाने में बनाने वाली थी दिल्ली सिक्स स्टाइल में अचारी, दिल्ली सिक्स के स्टाइल में अचारी बड़े की बिरयानी। तो यहाँ पर मैंने सोचा अगर मैं इफ्तार के बाद बिरयानी बनाऊंगी तो मैं इतना काम अपने काम को इतना आसान कर सकती थी कि बस यखनी उसकी अगर बना के रख दूँ तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो यखनी के लिए मैंने कुकर में गोश्त डाला, ज़ीरा, कुछ खड़े गरम मसाले, प्याज, छिला हुआ लहसुन सबको डालकर सौंफ डाल दी थी और धनिया भी डाला था और सबके साथ मैंने पानी डाला, नमक डाला और उसके बाद इसमें 2 से 3 सीटियाँ ले ली थी। अगर गोश्त ना गले आपका तो आप 1-2 और एक्स्ट्रा सीटियाँ ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने यखनी की तैयारी तो रोज़े से पहले ही कर दी थी और क्योंकि मैं आज रोज़े में इफ्तार के लिए बना रही थी सैंडविचेस तो यहाँ पर अम्मी उनके एजेस कट कर रही थी तो यहाँ पर यही था कि हाँ मुझे सुबह से पता नहीं था कि मैं सैंडविचेस बनाऊँगी,
जिसकी चॉपिंग वगैरह मम्मी ने जब वो फ्रूट्स कट करने किचन में आई ना तो तभी उन्होंने की, तो इसी की वजह से मुझे डांट, ये छोटी मोटी डांट तो मुझे पड़ती रहती है। जब मम्मी किचन में साइड में खड़ी होती है ना तो भाई एक तो काम में इतनी कमियां निकालती है, ऐसे नहीं करती, ऐसे करा करो, वैसे करती हूँ, तो मुझे ये डांट पड़ती रहती है मम्मी से। और उसके बाद उसी बीच में यहाँ पर चनों को फ्राई कर रही थी, डांट तो खाती रहती हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह मम्मी की। और उसके बाद मैंने फटाफट से इसी में टमाटर मसालों को डालकर फ्राई किया, और उसके बाद जो उबले हुए चने रखे हुए थे मैंने उन्हें भी फ्राई कर लिया था। और उसके बाद फिर यहाँ पर अम्मी प्लेट्स लगा रही थी। अम्मी को जैसे कि आप सभी को पता है कि अम्मी बड़े सेटल, मैं बनाती ज़रूर हूँ लेकिन मैनेजमेंट सारा अम्मी का ही होता है, तो यहाँ पर वही कर रही थी, सारे प्लेट्स में अलग अलग सेपरेट कर रही थी। और यहाँ पर सैंडविचेस को मैंने अच्छे से असेंबल कर दिया था, और यहाँ देखो मेरे से सैंडविचेस, जब मैं सैंडविच मेकर में मैंने इसे रखा ना, ये इतनी बुरी हालत हो गई। एक्चुअली ये मैंने नहीं रखे थे, ये हाशिम ने रखे थे, ये बिल्कुल सही तरीके से स्टफ इसका असेंबल हो गया था जब, लेकिन रखने की बारी आई, हाशिम ने पता नहीं किस तरीके से उठाया, जिसकी वजह से सैंडविच मेकर में रखते रखते वो बहुत बुरी तरीके से टूट चुके थे। खैर मैंने उसके बाद बटर तो अप्लाई कर दिया था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना ज़्यादा खुश थी क्योंकि रोज़े के इफ्तार के वक्त ही मेरी किचन ऑलमोस्ट मैंने बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर दी थी, और यहाँ पर यखनी की भी तैयारी हो गई थी और मैंने चावलों को भिगो दिया था। और उसके बाद यहाँ पर हम दस्तरखान पे बैठ गए थे क्योंकि इफ्तार का वक्त होने वाला था, तो यहाँ पर आज आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से सारी तैयारी ऑन द टाइम। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि आज मैंने तो बिल्कुल अप्पी की तरह कर दिखाया, क्योंकि मैं आप सभी को अपनी अब बातें भी शेयर करने लगी अपनी ऑडियंस के साथ, अपनी फैमिली के साथ, कि जब मेरी अप्पी की शादी नहीं हुई थी तो उस वक्त मैं छोटी थी, इतनी समझदार नहीं थी, तो मैं बस बहुत कम कामों को करती थी, बस उनके थोड़ा थोड़ा हेल्प करती थी, लाइक मैं किचन में कभी भी नहीं खड़ी हुई थी, कभी कभी उन्हें थोड़ा थोड़ा सामान दे, छोटा मोटा सामान देना, पीछे खड़ी रहती थी, उन्हें लहसुन अदरक देना है, नमक देना है, मिर्च देना है, मिर्च की कटिंग करनी, ये छोटे मोटे काम ही करती थी, तो मैं उस वक्त इन सब कामों में जिम्मेदारी वाले काम नहीं करती थी, अप्पी ही उस वक्त सारे काम देखती थी। तो आज मैंने उन्हीं की तरह अल्हम्दुलिल्लाह सारी किचन रोज़े के इफ्तार के वक्त ही क्लीन कर दी थी, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी माशाल्लाह, और ये मेरे बहुत ही बढ़िया से, हाँ हालांकि टूट गए थे लेकिन टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे, आप देख सकते हैं प्लेट बिल्कुल साफ़ हो चुकी थी। और यहाँ रोज़े के बाद मैं नमाज़ के लिए उठी तो जॉन अभी भी आराम कर रहे थे, इनका रोज़ा था, जैसे इन्हें बहुत पता चल रहा था कि रोज़ा खोलते ही सो गए थे यहाँ पर। और उसके बाद हमने इंजॉय की थी अम्मी के हाथ की मज़ेदार चाय, जैसे कि आप सभी को पता है जो मेरी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली जो मेरी ऑडियंस मेरी बन चुकी है, उन्हें पता होगा कि अब मुझे एक आदत सी हो गई अम्मी के हाथ की शाम की चाय पीने की और चाय पीने की। और यहाँ पर मैं आप सभी को दिखाती हूँ ये छोटे छोटे से क्यूट से किटन्स, ये मेरी विन्नी, जो मैंने आप सभी को पहले भी कुछ ब्लॉग्स पहले भी बता चुकी हूँ कि विन्नी कौन है, ये उसके बच्चे हैं, और ये मेरे छोटे छोटे से भांजे जो उसके साथ खेल रहे थे। और यहाँ पर इफ्तार के बाद मैं फटाफट से किचन में आ गई थी क्योंकि आज अप्पी भी आई हुई थी, तो मैं सोच रही थी मैं जल्दी से अपने कामों को कर लूँ ताकि मैं उसके साथ भी थोड़ा वक्त स्पेंड कर लूँ। और मैंने फटाफट से यखनी में से गोश्त को सेपरेट किया और जो उसका जूस था मैंने जूस को भी छान लिया था, और उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने बर्तन को रख दिया था गैस पे बिरयानी बनाने के लिए, और मैं साइड के साइड बर्तन भी इफ्तार के बाद के धो रही थी। लेकिन एक अच्छी बात क्या है, पहले मेरी जो गैस थी किचन में राइट साइड रखी हुई थी, जो अब मैंने सिंक की तरफ रख ली, उससे बेनिफिट ये हो गया है कि लाइक अगर मैं खाने के दौरान भी अपने बर्तनों को वॉश करना चाहती हूँ बहुत ही आसानी से ये काम कर पाती हूँ, तो मैं साथ के साथ बर्तन भी धो रही थी। और यहाँ पर मैंने तेल भी डाल दिया था, तेल जैसे ही गर्म हुआ मैंने फटाफट से अम्मी इन्हें चॉप करके, लगभग 3 बड़े साइज़ की प्याज थी जिन्हें मैंने डाला और फ्राई किया और थोड़ा सा गोल्डन फ्राई कर लिया था, वो गोल्डन फ्राई होने के बाद मैंने प्याज को छानते हुए किसी अलग बर्तन में निकाल लिया था। और हसन भी मुझे, ये आप देख रहे कई बार ऐसा हो रहा होगा मेरे व्लॉग में, आज थोड़ा सा हिल भी रहा होगा क्योंकि पीछे से हसन जो ट्राइपॉड था उसके नीचे से बार बार निकल के जा रहा था, पता नहीं उसे क्या मज़ा आ रहा था। उसके बाद मैंने प्याज को निकाला और कुछ गरम मसाले डाले थे और ज़ीरा भी निकाला था, आपने देखा होगा फिर से दोबारा मेरा ट्राइपॉड हिल रहा था बहुत, ये हसन ही शैतानी कर रहा था, मैं बहुत ज़ोर से चिल्ला भी रही थी लेकिन फिर भी नहीं मान रहा था। फिर मैंने लगभग 3 बड़े साइज़ के टमाटर को रफली चॉप किया था, उसे भी थोड़ा सा 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद जो यखनी का गोश्त था मैंने उसे डाली, मैंने इसे 100% नहीं गलाया था। और ये अचारी बिरयानी ना दिल्ली 6 के स्टाइल में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। एक तो रेसिपी बहुत ही सिंपल है और खाने में उतनी ही मज़ेदार होती है। मैंने इसमें डाला था लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक आप सभी अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आप सभी को एक बात, ये मैंने डाला था लगभग
एक चम्मच नॉनवेज मसाला, और उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला था दही। दही मैंने लगभग आधा कप इस्तेमाल किया था। मैं आप सभी को एक बात बताना चाहती हूँ कि ये, चलिए एक बात और बताती हूँ, लेकिन उससे पहले ये बता देती हूँ कि आज मैंने बिरयानी में इस्तेमाल की थी पीली मिर्च, जो मैंने खुद फर्स्ट टाइम यूज़ की थी, क्योंकि मुझे बिरयानी का बहुत ही मज़ेदार कलर चाहिए था, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम पीली वाली मिर्च इस्तेमाल की थी। लगभग यहाँ पर 2 चम्मच इस्तेमाल की थी, जिससे मेरी बिरयानी का जो गोश्त था ना, वो बिल्कुल भी लाल नहीं हुआ, जो मुझे पसंद भी नहीं आता, और यहाँ पर पीला पीला जो कलर था ना, वो मुझे बहुत ही मज़ेदार लग रहा था। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक ये छोटा सैशे था हरी मिर्च के अचार का, जो मैंने डालकर उसे भी मिक्स कर दिया था, क्योंकि आज की जो बिरयानी थी वो अचार ही टेस्ट में, फ्लेवर में बना रही थी, तो अचार का तो डालना बिल्कुल लाजमी था। और आप सभी को एक बात भी बताती हूँ कि इन दिनों रमज़ान में मैं जो भी रेसिपीज़ बना रही हूँ, तो सॉरी, मेरी फैमिली से एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं अपनी रेसिपीज़ को कोशिश तो बिल्कुल कर रही हूँ कि डिटेल में शेयर करूँ, फिर भी नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप सभी के साथ जो रेसिपीज़ रमज़ानों में बना रही हूँ वो डिटेल में शेयर करूँगी। तो गोश्त जैसे मेरा अच्छे से भुन गया, उसमें मैंने लगभग 2 घंटे बिरयानी के चावल को भिगोया था, उन चावलों को डालकर यखनी का जो पानी था उसे डाल दिया था, जिसे मैंने छान लिया था। और यहाँ पर अम्मी आ गई थी, अम्मी कहने लगी आज मैं तुम्हें सही बिल्कुल प्रॉपर तरीका सिखाती हूँ कि किस तरीके से चावल के, क्योंकि कई बार देखो माँ बाप के आगे तो हम बच्चे हैं, हम इतने समझदार नहीं होते जितने हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि बिल्कुल सही तरीके से ये तुम नापना पानी हो, तुम्हारा कभी भी ज़्यादा नहीं रहेगा। और यहाँ पर मैं खाना बना रही थी, और हसन अल्लाह ज़िंदगी रखे, उन्हें नूडल्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है, उन्होंने मुझे काम के बीच में ही बोला कि नूडल्स बनाओ, और उनके लिए मैंने थोड़े से नूडल्स बना दिए थे, जिसे बाद में मैंने और अभी नहीं खाए थे, उन्होंने बहुत कम खाए थे। और यहाँ पर मेरी बिरयानी में लगभग उबाल आ चुका था और थोड़ा सा कम ही पानी रह गया था, तो मैंने इसी वक्त दम पे लगाया, और उसके बाद मैं तरावी पढ़ने लगी थी, और अम्मी ने उसी बीच इसमें डाल दिया था ऑरेंज फूड कलर, और मैंने जिस प्याज को फ्राई करके रखा था ना, उस प्याज को भी उसके ऊपर से डालकर चावलों को अच्छे से मिक्स कर दिया था। और उसके बाद ये मेरी मज़ेदार सी बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी थी। अगर आप सभी को भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, अलविदा दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।